अगली खबर कासगंज से है, जहां शराब माफिया पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, शराब माफिया डैन की पौने 2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। शराब माफिया ने अवैध शराब के कारोबार से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्ज की थी। आपको बता दें, 2 माह पूर्व शराब माफिया पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब माफिया डैन और उसकी पत्नी के नाम यह अवैध संपत्ति थी। अलग अलग थानों में शराब माफिया डैन के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं। कासगंज जिले के बड़े शराब माफिया के रूप में एक व्यक्ति जिसका नाम है मनीष प्रताप सिंह और डॉक्टर डैन और उसके साथियों को अवैध शराब और अवैध शस्त्र फैक्ट्री के जुर्म में उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा गया था। उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। गैंगस्टर एक्ट के धारा अंतर्गत उसको मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 14 की कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण की जो कार्रवाई होती है, उसमें पुलिस विभाग द्वारा एडिशनल SP साहब और अन्य टीम द्वारा लिखा पढ़ी करके प्रबल पैरवी करते हुए DM महोदय द्वारा आदेश किया गया। इसमें प्रॉपर्टी जब्तीकरण का, इसमें इनकी जो लैंड है वो रिकॉर्ड की गई है 14(1) धारा अंतर्गत, और इसकी जो मार्केट वैल्यू बताई जा रही है वो लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। इन जमीनों की कीमत है। इसी तरीके की कार्रवाई अन्य सभी गैंगस्टर के मुकदमे में भी की जाएगी। जहां जहां पे अवैध शस्त्र मिले हैं, अवैध लिकर फैक्ट्रीज मिली है, DPS का मटेरियल मिला, उनके खिलाफ जो है इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।